मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर का सेकंड चैप्टर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रीड करेंगे। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होते क्या हैं, ये हम इस चैप्टर के थ्रू जानेंगे। वी नो दैट अ कंप्यूटर कंसिस्ट्स ऑफ वेरियस पार्ट्स, मीन्स हम जानते हैं कि कंप्यूटर के विभिन्न भाग होते हैं। ऑल दिस इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स टुगेदर विथ प्रोग्राम स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर मेक इट डू वर्क। ये सभी जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं और प्रोग्राम्स हैं, वो एक साथ स्टोर्ड होके कंप्यूटर में एक साथ काम करते हैं। अ कंप्यूटर सिस्टम कैन बी कैटेगराइज इनटू टू पार्ट्स। कंप्यूटर सिस्टम को हम दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। फर्स्ट है हार्डवेयर, सेकेंड है सॉफ्टवेयर। कौन से दो पार्ट्स हैं? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम बात करेंगे हार्डवेयर की। हार्डवेयर रिफर्स टू द फिजिकल डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। हार्डवेयर कंप्यूटर के भौतिक उपकरणों को क्या करता है? संदर्भित करता है। मीन्स फिजिकल डिवाइसेस मीन्स दोज पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर दैट यू कैन सी और टच। फिजिकल डिवाइसेस मीन्स क्या है? ऐसे कंप्यूटर्स के पार्ट्स जिन्हें हम देख और छू सकते हैं। द मेन पार्ट्स ऑफ द हार्डवेयर आर, जो मेन पार्ट्स हैं हार्डवेयर के, वो कौन कौन से हैं? इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू एंड स्टोरेज डिवाइसेस। अब हम सबसे पहले बात करेंगे इनपुट डिवाइसेस की। सबसे पहले हम जानते हैं इनपुट डिवाइसेस होते क्या हैं। जो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर को देते हैं या इंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्यूटर को देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। कीबोर्ड एंड माउस आर द मेन इनपुट डिवाइसेस। कीबोर्ड और माउस जो है वो मेन इनपुट डिवाइसेस है। कैसे? कीबोर्ड कैसे हो गया? कीबोर्ड से हम टाइप करते हैं, मींस कंप्यूटर को हम क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। और माउस के थ्रू हम क्या करते हैं? माउस के थ्रू हम क्लिक करते हैं, कर्सर को मूव करते हैं। ये क्या करते हैं हम? इससे हम इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देते हैं या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं। दे आर यूज टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। वे क्या करते हैं ये कीबोर्ड और माउस? ये इंस्ट्रक्शन देते हैं किसको? कंप्यूटर को। जॉयस्टिक एंड स्कैनर आर ऑल्सो इनपुट डिवाइसेज। जॉयस्टिक और स्कैनर भी इनपुट डिवाइसेज हैं, जो क्या करते हैं? इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं। पिक्चर के थ्रू देखिए, ये कीबोर्ड है, माउस, स्कैनर एंड जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होती है? जॉयस्टिक से कंप्यूटर पे गेम खेला जाता है, स्कैनर से स्कैन किया जाता है। माउस और कीबोर्ड तो आपको पता है, ये इनपुट डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइसेस की। मॉनिटर एंड प्रिंटर आर द मेन आउटपुट डिवाइसेस। मॉनिटर और प्रिंटर क्या है? मेन आउटपुट डिवाइसेस हैं। ये मॉनिटर है और यहाँ पे ये क्या है? प्रिंटर है। मॉनिटर क्या करता है? हमें रिजल्ट देता है, जो हमें स्क्रीन पे दिखाई देता है, मींस जो हमें इंफॉर्मेशन बाहर देते हैं या इंस्ट्रक्शन बाहर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। प्रिंटर, प्रिंटर ये क्या करता है? पेज पे प्रिंट करके हमें बाहर इंफॉर्मेशन देता है, ये आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। दे आर यूज्ड टू शो और डिस्प्ले द रिजल्ट ऑन स्क्रीन और पेपर। ये क्या करते हैं? किसका प्रदर्शन करते हैं? बाहर प्रदर्शित करते हैं किसको? रिजल्ट को, हमें बाहर रिजल्ट को दिखाते हैं। अदर आउटपुट डिवाइसेस आर प्लॉटर एंड स्पीकर्स। और भी जो आउटपुट डिवाइसेस हैं वो कौन से हैं? प्लॉटर एंड स्पीकर्स। प्लॉटर मींस जो स्कैन करने के काम में आती है, और स्पीकर, स्पीकर मींस जिसमें हमें आवाज सुनाई देती है, मींस हम इंफॉर्मेशन बाहर देते हैं, ये हमें, ये आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीपीयू की। सीपीयू इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू को हम कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू कंटेन्स मैनी हार्डवेयर पार्ट्स इनसाइड इट लाइक मदरबोर्ड, माइक्रोप्रोसेसर, रैम, एसएमपीएस, हार्ड डिस्क ड्राइव,
सीडी ड्राइव एंड फ्लॉपी ड्राइव। मींस सीपीयू के अंदर क्या होता है, सीपीयू के अंदर शामिल है, अंदर मींस भीतर या अंदर शामिल है, क्या क्या शामिल है, मदरबोर्ड, माइक्रोप्रोसेसर, रैम, एसएमपीएस, हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी ड्राइव एंड फ्लॉपी ड्राइव। ये देखिए पिक्चर के थ्रू ये सारी चीज़ें सीपीयू के अंदर होती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टोरेज डिवाइसेस की। सीडी एंड पेन ड्राइव आर द मेन स्टोरेज डिवाइसेस। सीडी और पेन ड्राइव क्या है, मेन स्टोरेज डिवाइसेस हैं, जिसमें हम डाटा और मूवी फाइल इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, हम स्टोर कर सकते हैं। दे आर यूज टू स्टोर डाटा और इन्फॉर्मेशन फॉर लेटर यूज़। मीन्स हम इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, डाटा को स्टोर करके हम बाद में उसे यूज में ला सकते हैं या बाद में हम उसे देख सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज इन अ कंप्यूटर। टू टाइप्स की क्या है, स्टोरेज हैं कंप्यूटर में, कौन कौन सी है, प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमने कंप्यूटर का सेकेंड चैप्टर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रीड किया है। उसमें हमने इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस पढ़ा है। राइट, आई फॉर इनपुट डिवाइस, ओ फॉर आउटपुट डिवाइस एंड एस फॉर स्टोरेज डिवाइस। हमें इनपुट डिवाइस को आई से मेंशन करना है और आउटपुट को ओ से, स्टोरेज को एस से। अब हमें बताना है कि कौन सा इनपुट डिवाइस है और कौन सा आउटपुट और कौन सा स्टोरेज डिवाइस है, तो आपको ये पहचानना है। सबसे पहले है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस कैसे है, जो कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन देता है। कीबोर्ड से क्या करते हैं, हम टाइप करते हैं, तो ये कंप्यूटर को क्या करता है, ये इन्फॉर्मेशन देता है, तो वो किस में आ गया, इनपुट डिवाइस में। सेकेंड क्या है, मॉनिटर। मॉनिटर किस में आएगा, मॉनिटर आउटपुट में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि मॉनिटर क्या है, मॉनिटर हमें बाहर इन्फॉर्मेशन दिखाता है। मॉनिटर पे अगर कुछ भी चीज़ हम टाइप करते हैं तो वो हमें बाहर दिखाता है, बाहर की तरफ शो होता है, कि आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है माउस। माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, जो कंप्यूटर को क्या करता है, इन्फॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट है प्रिंटर। प्रिंटर क्या है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस मीन्स इन्फॉर्मेशन हमें बाहर दिखाता है। हम एक पेपर को डालते हैं प्रिंट होने के लिए, तो फिर वो बाहर आता है प्रिंट होके, तो ये हमें इन्फॉर्मेशन बाहर दिखाता है, हमें रिजल्ट दिखाता है, तो ये आउटपुट डिवाइस है। सीडी। सीडी क्या है, सीडी में हम स्टोर कर सकते हैं डाटा, मूवी या फिर फाइल, इसे हम स्टोर कर सकते हैं, तो ये स्टोरेज डिवाइस है। प्लॉटर। प्लॉटर क्या है, प्लॉटर में भी जैसे स्कैनर होता है या प्रिंटर होता है, उस टाइप से प्लॉटर भी होता है। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, जो हमें बाहर क्या करता है, इन्फॉर्मेशन दिखाता है, रिजल्ट दिखाता है। स्पीकर। स्पीकर क्या है, स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर में आवाज़ आती है, जो आवाज़ हमें सुनाई देती है, उसका रिजल्ट हमें मिलता है, इन्फॉर्मेशन हमें बाहर दिखाता है, वो क्या है, वो आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव क्या होती है, पेन ड्राइव भी हमने पढ़ा है, पेन ड्राइव स्टोरेज डिवाइस है, जिसमें हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं और फाइल स्टोर कर सकते हैं, तो पेन ड्राइव एक स्टोरेज डिवाइस है। आपको ये अपनी फेयर कॉपी में